अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे सारे। जिन लोगों का वीज़ा हो गया है स्वीडन के लिए, उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद। और अब जो लोग अपनी यहाँ पर ट्रैवलिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ दोस्तों ने एक सवाल हमसे पूछा कि क्या वो स्वीडिश वीज़े के साथ कोपेनहेगन लैंड कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो लोग जिनके एडमिशन हुआ है साउदर्न यूनिवर्सिटीज़ में, लुंड में, BTH में, वैको में, लीनियस, कालमार, हमस्ता, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सबसे कन्वीनियंट एयरपोर्ट है वो है कोपेनहेगन एयरपोर्ट, और शायद आपको जो टिकट है वो भी रिलेटिवली सस्ती मिलेगी। तो अब एक सवाल ये है कि क्या आप लोग कोपेनहेगन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके बारे में मुख्तलिफ राय गर्दिश कर रही हैं, लोग तरह तरह की आपको स्टोरी सुनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अभी मेरी यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स से भी बात हुई है, मैंने कंफर्म भी किया है, और मैं एक वेब लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखें। आपको कोई मसला नहीं है, आप लोगों के पास अगर स्वीडिश रेजिडेंट परमिट है, आपके पास एडमिशन लेटर है, तो आप कोपेनहेगन लैंड कर सकते हैं। बॉर्डर पर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई तंग करे तो उसके लिए आप उनको अपना रेजिडेंस परमिट, वो जो लिंक मैं आपको बताऊंगा, वो उसके प्रिंट की कॉपी, और आप अपना एडमिशन लेटर दिखा के तो आ सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज इट इज़ शेंजन स्टेट्स, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कोपेनहेगन स्पेसिफिकली आप आ सकते हैं स्वीडन जाने के लिए। और सिर्फ आपको जो रिक्वायर्ड है वो है आपका कोविड टेस्ट, या अगर आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ है तो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो लोग अभी अपनी टिकट्स खरीद रहे हैं, जो लोग अपनी आने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कि आप वरी ना करें, और अगर आपको कोपेनहेगन की टिकट सस्ती मिल रही है तो डू दैट, अदरवाइज़ आपके पास गोथनबर्ग और स्टॉकहोम की ऑप्शन तो मौजूद है। अगर इससे मुतल्लिक मज़ीद आपके पास कोई सवाल हो, आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप या इसके अंदर नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें, तो हम लोग इंशाल्लाह उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शुक्रिया।